Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to share another subtopic, that is hazardous management of hazardous wastes. Before that, we have already discussed regarding the management of solid wastes. तो आज हम बात करेंगे कि जो ये hazardous wastes होते हैं, first मतलब इनको हम कैसे define करेंगे और इसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन क्या है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज हैज़ार्डस वेस्ट्स. फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर द हैज़ार्डस वेस्ट्स. दीज आर द वेस्ट्स which actually possess the properties which make them potentially harmful to human health and to the environment. That means those materials, those wastes, जिनके पास ऐसी properties होती हैं जिनसे ये बिल्कुल fatal बनते हैं, harmful बनते हैं to the living organisms, particularly to human health and to the environment. तो उनको हम हैज़ार्डस वेस्ट्स कहते हैं. सो फार एज दिस हैज़ार्डस वेस्ट्स आर कंसर्न्ड, देयर यूनिवर्स इज लार्ज एंड डाइवर्स. दैट मीन्स दे आर इन वास्ट नंबर, देयर जनरेशन, दे आर गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन वेरी बल्क क्वांटिटीज एंड दे आर ऑफ डाइवर्स नेचर्स, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज. तो and apart from these hazardous wastes, they can be solids, they can be liquid in form, solid in form or gaseous in form. They can take all states of the matter. So ab hum dekhenge ki jo ye matlab hazardous wastes hote hain isme kaun kaun si category aate hain. First it is discarded, used products. दूसरी कैटेगरी इसमें आते हैं discarded, unused commercial products, commercial products. तीसरी कैटेगरी इसमें आते हैं बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. एंड दीज थ्री कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट्स आर इंक्लूडेड under the hazardous waste. And apart from that matlab agar hum dekhenge ki inki jo matlab category, inki inko char categories mein divide kiya gaya hai, char lists. There have been categorized four lists of hazardous waste under code of federal regulation, federal regulation, federal regulation mein char category ke lists banaye gaye in hazardous wastes. The first list, that is known as f listed wastes ya hazardous wastes, f list. इस एफ लिस्ट में एक्चुअली दे पॉजिस द इनके होते हैं नॉन स्पेसिफिक वेस्ट सोर्सेज. दैट मीन्स जो इनके सोर्सेज होते हैं दे आर नॉट स्पेसिफिक, दे आर नॉट एक्चुअली जनरेटेड बाय पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और बाय पर्टिकुलर दीज इंडस्ट्रीज. तो ये मतलब इनका कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं होता है.
तो इसी तरह जो दूसरा लिस्ट इसमें बनाया गया इसको कहते हैं के लिस्ट हैज़ार्डस वेस्ट। इसके होते हैं स्पेसिफिक वेस्ट सोर्सेस। क्या होते हैं? स्पेसिफिक वेस्ट सोर्सेस। इसमें आते हैं वो सॉलिड हैज़ार्डस वेस्ट जिनका एक स्पेसिफिक सोर्स होता है, कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, कोई इंडस्ट्रियल कोई इंडस्ट्री होती है, तो इसका एक खास स्पेसिफिक सोर्स होता है। लाइक किसी से मतलब पेस्टिसाइड इंडस्ट्री या पैंट इंडस्ट्री, वहां से ये निकलते हैं। तो एक और है, इसको हम कहते हैं तीसरी कैटेगरी जो है पी लिस्ट एंड यू लिस्ट। पी लिस्ट एंड यू लिस्ट कैटेगरी जो है तो इसमें एक्चुअली आते हैं जो कि कमर्शियल मतलब इसमें आते हैं डिस्कॉर्डेड कमर्शियल अनयूज्ड डिस्कॉर्डेड कमर्शियल वेस्ट्स। तो इसमें एक और कैटेगरी जिसको हम कहते हैं एम कैटेगरी, एम लिस्ट। इसमें वो वेस्ट आते हैं विच आर कंटेनिंग द मर्करी, मर्करी कंटेनिंग वेस्ट द हैव बीन इंक्लूडेड इन द वेस्ट एंड दीज आर इंक्लूडेड इन द एम लिस्ट। लाइक दीज इंक्लूड द मर्करी लैंप्स and mercury switches and other these products which contain the mercury. तो ये रही बात regarding the listing of these solid wastes. Apart from that, according to UN United Nations 1989 recommendations, उन्होंने बी वेस्ट इन हैज़ार्डस वेस्ट को कैटेगराइज किया गया इनटू डिफरेंट क्लास डिपेंडिंग अपॉन देयर हैज़ार्डस कैरेक्टरिस्टिक। द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1989 दे हैव क्लासिफाइड दीज हैज़ार्डस वेस्ट इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। लाइक यहां पे लिखेंगे हम जो कि यूएन क्लास यहां पे लिखेंगे हैज़ार्डस कैरेक्टर, हैज़ार्डस कैरेक्टर। जो पहला क्लास इसमें लिया गया फर्स्ट दैट इज वन, इसमें रखे गए जो मतलब इसमें एक्सप्लोसिव हैज़ार्डस जिनका करेक्टर एक्सप्लोसिव होता है, इसको पहले क्लास में रखा गया। और वो हैज़ार्डस वेस्ट दो से लेकर चार तक जिनकी करेक्टरिस्टिक हैज़ार्डस करेक्टरिस्टिक होती है फ्लैमिंग, तो इनको रखा गया टू टू फोर क्लास में। तो इसके बाद जो फायो वाला आता है इसको मतलब इसमें उन वेस्ट्स को रखा गया हैज़ार्डस वेस्ट को जिनकी करेक्टर ऑक्सीडाइजिंग होती है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग हैज़ार्डस वेस्ट। जो छठा इसमें आता है उसको मतलब जो हैज़ार्डस पॉइजनस जो मतलब वेस्ट पॉइजनस होता है इसको सिक्स्थ क्लास में रखा गया। इसी तरह सेवंथ क्लास में जो रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं
and by that way they are the harmful to the human beings as well as the whole environment. तो इसको सेवंथ क्लास में रखा गया. इसी तरह एट मतलब आठवां क्लास जो मतलब उन्होंने जो रखा इसमें कोरोसिव, जो कोरोसिव होते हैं इन मतलब हैजार्डस वेस्ट को कैटेगराइज किया गया. जो मतलब फिर नाइन्थ में भी एक नाइन्थ क्लास भी इसमें बनाया गया है. इसमें वो हैजार्डस रखे गए जो टॉक्सिक होते हैं, जिनमें ये टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिक. एंड दीज वर द नाइन क्लासेस विच वर मेड अंडर यूएनओ, यूएन यूनाइटेड नेशंस रिकमेंडेशंस इन 1989 में उन्होंने ये रिकमेंड किया फॉर क्लासिफाइंग दीज hazardous wastes into different categories or different classes. This is regarding the classification of these hazardous wastes. Now characteristics. किस चीज को हम कहेंगे ये hazardous है? तो इसके लिए the substances, the materials, the wastes which are possessing the following four characteristics, which are possessing any one character among the following four characters, तो इनमें से कोई character ये अगर exhibit करते हैं, they are included under the hazardous waste. तो पहला character जो इसमें हम लेते हैं, that is igniability, igni. देखो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में वी नो इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैन कैच फायर एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्यूल्स रादर डिफरेंट सबस्टेंसेस. कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है एंड दे कैन इजिली कैच द फायर एट द रूम टेम्परेचर. मतलब रूम टेम्परेचर पे भी ये फायर कैच कर सकते हैं. दे में गेट कंबस्टेड स्पॉन्टेनियसली. तो कुछ मतलब वेस्ट ऐसे होते हैं जिनका फ्लैश पॉइंट बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो ऐसे वेस्ट भी बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे वेस्ट भी स्पॉन्टेनियसली कैच फायर करते हैं. तो फिर जब ऐसे जो मतलब ये इग्निटेबल सॉलिड वेस्ट होते हैं, देयर रिमेन्स ऑलवेज द रिस्क ऑफ द हैजार्ड. मतलब किसी भी वक्त देज कैन प्रूव दीज वेस्ट, दे कैन प्रूव वेरी फैटल, दे कैन प्रूव वेरी डेंजरस टू द ह्यूमन बींग. तो इस तरह ये अगर किसी मतलब सॉलिड वेस्ट में ये प्रॉपर्टी होगी तो उसको भी हैजार्डस ही कहेंगे. दूसरी प्रॉपर्टी अगर इनमें होगी कोरोसिव होते हैं, कोरोसिविटी. हाँ, ऐसे वेस्ट विच आर इधर एसिड्स और दे आर बेसिक, which are acidic or basic, or which make the acidic substances, acidic solutions, or the basic solutions, or the aqueous, these wastes, whose pH is either less than 2 or more than 12, such substances are called corrosive. These are the corrosive solid wastes. And they are also dangerous, they are also harmful, and they may cause the corrosivity of the containers, of the metallic containers and other substances as well. तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल dangerous होते हैं. हाँ, अगर हम ignitability में कुछ example मैं भूल गया, तो ignitable waste में अगर हम कहीं मतलब बात करेंगे जो oil containing pants होते हैं, अक्सर आज हम घरों में ये pant इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें बिल्कुल कुछ oils होते हैं, मतलब इसमें kerosene oil भी होता है, petrol होता है. तो अगर मतलब इनको हम मतलब अच्छी तरह से मतलब precautions नहीं रखेंगे, अच्छी तरह से मतलब
हम केयर नहीं करेंगे तो ये भी कैच फायर कर सकते हैं। तो इसी तरह जो कोरोसिटी है, इसमें जितने भी एसिडिक होते हैं, मतलब वेस्ट होते हैं, दे आर ऑल्सो हार्मफुल टू द मतलब द मैनकाइंड और टू द एनवायरनमेंट। अगर किसी सबवेस्ट में ये प्रॉपर्टी होगी तो इसको भी हैज़र्डस कहेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, हाँ, रिएक्टिविटी। हाँ, रिएक्टिविटी जो होते हैं तो इसमें कुछ वेस्ट्स दे आर वेरी अनस्टेबल एंड दे कैन रिएक्ट टू एनी सबस्टेंस एंड मेक इट हार्मफुल और मेक इट डेंजरस फॉर यूज। तो फिर इसके डेंजरस इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम गन पाउडर की बात करेंगे, एक्सप्लोसिव्स की बात करेंगे, दे मे ऑल्सो प्रूव वेरी फैटल। तो दिस इज व्हेन द these property of reactivity, they can also be categorized as the solid as the hazardous waste. Number fourth property, toxicity. These are such wastes which when ingested or absorbed may prove fatal to the living organisms. ऐसे वेस्ट्स को हम टॉक्सिक वेस्ट्स के, एंड दे आर आल्सो हार्मफुल, दे कैन बी आल्सो स्क्राइब्ड एज द हैज़र्डस सॉलिड और हैज़र्डस वेस्ट्स। एंड दिस वाज रिगार्डिंग व्हाट आर द हैज़र्डस वेस्ट्स, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द हैज़र्डस वेस्ट्स, व्हाट इज देयर, व्हाट आर द वेरियस लिस्ट्स और व्हाट आर द वेरियस क्लासेस। And apart from that, today we have talked about the characteristics of these hazardous wastes. Inshallah, in the coming topic, we will deal with the management of these hazardous solid wastes. Till then, fi amanillah.